जय हिंद साथियों। और साथियों, हमारे बिहार में अभी भर्तियों का भरमार है, यानी हम सभी युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए, एक 10th+2 यानी इंटर स्तरीय एक और वैकेंसी बहुत बड़े पैमाने पर आ गई है। 11,000+ पदों पर यह भर्ती आई है बिहार एसएससी में। और देखेंगे पूरी जानकारी कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कब इसका लास्ट डेट है। तो चलिए, एक सुनहरा मौका है आप सभी को, और देखते हैं पूरी जानकारी देखते हैं। और आज ही का ये जो भी आप देख रहे होंगे, ये जो नोटिस है आज ही के डेट में का है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेट भी है, और टोटल अभी 8 पेज में ये है। सारी चीजें ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 27/9/2023 को है। 27/9/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की, और आवेदन की अंतिम तिथि 11/11/2023। बहुत जबरदस्त नौकरी है मेरे भाई, तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सुयोग भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण है। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इससे पहले शाम के टाइम में रिजल्ट आया था आज ही के दिन मध निशे देसाई का, तो वीडियो डाले थे, उसके कुछ ही देर बाद ये वीडियो आप सभी को दे रहे हैं। शाम में ही जैसे ये नोटिफिकेशन आया था आप सभी देख रहे होंगे, विभिन्न ये पद दिए गए हैं। जाति आरक्षण वार रिक्तियों की संख्या, ये महिला का 35%, क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, और ये देख रहे हैं निम्न वर्गीय लिपिक, पथ निर्माण विभाग, मद निषेध, उत्पादन निबंधन विभाग, गृह विभाग, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, श्रम संसाधन, हर चीज में आप सीट देखते जाइए और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फॉर्म डालते समय ये सारी चीजें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपको पद डालने के लिए। तो ये देख रहे हैं ये सारी चीजें, ये पद देख रहे हैं। लास्ट में चलते हैं जो मुख्य बातें हैं, देखते जाते हैं। ये सीट आप देख रहे होंगे, हालांकि इसमें एज भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है, और देखेंगे उन सारी चीजों को। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, और देख रहे हैं दिव्यांग लोगों का भी इसमें ऑनलाइन आवेदन का जो ये चीजें सारी चीजें है आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ टोटल सीट देखिए 11,098 देख रहे हैं, कुल पदों की संख्या आप देख रहे हैं 11,098। ये बहुत बड़ी भर्ती है, 10th+2 यानी इंटर स्तरीय, ये बहुत बड़ी भर्ती है। आप सभी के पास मौका है बिहार एसएससी में जाने का। अब देख आगे जो मुख्य नोटिस है उसको देखते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और आयु सीमा देख लेते हैं थोड़ी सी इसको। आयु सीमा देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग पुरुष 37, अनारक्षित वर्ग महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पुरुष महिला 42 वर्ष, यानी उम्र भी इसमें काफी दिया गया है। और आप देख रहे हैं अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, ये मुख्य बात है, 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, उक्त तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो आप देख रहे होंगे ये जो एज है, एज को आप लोग देख रहे होंगे, बाकी किस कैटेगरी को कितना पेमेंट करना होगा जैसे फॉर्म अप्लाई होगा। और फिर से आपको ऑनलाइन की जो तिथि है 27/9/2023 देख रहे हो, पेमेंट का ये दिया, और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। ये सारी मुख्य चीजें आप लोग देख रहे होंगे। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आपको प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या
150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा के माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। आप देख रहे होंगे जितने सारे भाई, पिछले बार भी जब ये वैकेंसी आई थी तो बहुत फॉर्म गिरा था और इस बार भी भारी मात्रा में इसमें फॉर्म गिरेंगे। देख रहे हैं क्वालिफाई मार्क्स ये, तो ये आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/9/2023, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/11/2023 है। साथियों देख रहे हैं टोटल ये 8 पेज में ये है और आप देख रहे हैं ये आपको bssc.bihar.government.in पर ये सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेगी और वहीं उसी साइट पे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट क्या है? bssc.bihar.government.in। तो साथियों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इतने बड़े पदों पर ये जो भर्ती हो रही है तो कम से कम हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और क्या चाहिए। तो चलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए। इंटर स्तरीय एक बहुत बड़ी भर्ती आई है, लगभग 20 लाख के अप्रोक्स में भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो, लेकिन कम से कम तो 20 लाख फॉर्म अप्लाई जरूर होंगे। तो साथियों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए फिर कोई ना कोई नई वैकेंसी जल्दी आएगी, जैसे ही कोई और भर्ती आती है, क्योंकि बिहार में भी हर सेक्टर में भर्ती आने वाली है, बहुत रिक्तियां हैं, तो भर्तियां भी तो आएगी ही आएगी। तो चलिए उन भर्तियों का भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी जिनको इन सेक्टर में जाना है और बहुत मस्त जॉब है, देख रहे हैं बहुत सारा डिपार्टमेंट है, आपको जिसमें जाना है फॉर्म अप्लाई करते समय उसी पोस्ट को आप चूज करेंगे और फाइनली सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।